एक अलग बिजनेस है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली और अपने आप को इस लेवल पे लाए कि अब वो भी कमांडोस रेडी करते। तो सबसे बड़ी चीज तो मुझे उनकी ये लगती है कि उन्होंने सबसे पहले लर्निंग पे ध्यान दिया, सीधे फील्ड में नहीं आए, और जहां जैसे ट्रेनिंग मिलती थी उन्होंने ली और पूरे तरीके से सीखा है और उसको अप्लाई किया है। बहुत सारे एक्शंस लेते हुए और सीखते और हमारे जैसों को तैयार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जोरदार तालियों से मैं वेलकम करना चाहूंगी आशीष सर का। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू वेरी मच। वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर, यस सर। चलिए, थैंक यू राजेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल, आप सबका वेलकम है आज के कमांडो ट्रेनिंग डे वन में। तो कौन कौन एक्साइटेड है सबसे पहले चैट में एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं सो दैट आज की ट्रेनिंग को हम स्टार्ट कर सकें। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर दी पार्टिसिपेशन। और आज हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट भी होंगे तो उन सबका स्पेशल मैं वेलकम करना चाहूंगा। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई मोदी केयर। अगर हम बात करें पिछले 2 सालों की, बहुत सारी चीजों में हमने उतार चढ़ाव देखे। जैसे मंजू जी ने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर उस टाइम पर भी चल रहा था जब हम घर पर बैठे थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और हमें एक और चीज अच्छे से रियलाइजेशन हुई वो ले कि जिस इमरजेंसी कभी भी आ सकती है तो तैयारी हमें अभी से करनी है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग की तैयारी नहीं थी तो वो स्ट्रगल में आए। और साथ ही साथ हमें एक और चीज समझ में आ गई कि अगर हम अभी से तैयारी करेंगे तो हम आगे और अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे और कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो हम उसके लिए तैयार रहें। प्लस हमें एक और चीज समझ में आई कि हमें हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, हेल्थ इज वेल्थ, हम सबको समझ में आया हेल्थ इज दी ओनली वेल्थ। और साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया कि हमारे पास एक नहीं कम से कम 2 इनकम सोर्स होने चाहिए सो दैट अगर किसी रीजन से एक इनकम सोर्स से अगर इनकम नहीं आ रही हो तो भी हमारे पास इनकम आती रहे। दैट इज द रीजन आई होप आप सब लहा है। तो आज की ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं जिसे हम डिटेल में जानेंगे, वाई नेटवर्क मार्केटिंग और वाई मोदी केयर, उसको हम डिटेल में समझेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबको स्क्रीन विजिबल है। और चलिए सबसे पहले बात करें डिसीजन किसको लेना है। अगर किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कोई पड़ोसी उसकी हेल्प नहीं कर सकता, एक दिन दो दिन वो हेल्प कर सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसे ही डिसीजन लेना होता है, उसे ही आगे बढ़ना है, उसे ही सोचना है अपनी फैमिली के बारे में सो दैट कि आगे कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो या खुदा ना खास्ता कुछ भी ऐसा हो तो भी ऐसा उनके पास कुछ ना कुछ रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। What is wealth? हम सब, कोई कितना भी गरीब हो कितना भी अमीर हो, हर कोई चाहता है कि उसके पास और पैसा आए। आज हम वेल्थ की डेफिनेशन समझ लेते हैं, वेल्थ क्या है। मनी और वेल्थ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वेल्थ की डेफिनेशन की बात करें, क्या हम वेल्थ के लिए बात काम कर रहे हैं? और अगर वेल्थ की डेफिनेशन की बात करें वो है टू हैव मनी एंड टाइम, आपके पास दोनों हो, टाइम भी और पैसा भी, और डर ना हो कि मेरे पास खत्म हो जाएगा और आप लाइफ को एंजॉय तभी कर सकते हैं। क्योंकि अगर दोनों में से एक चीज में भी कमी है, अगर टाइम है पैसा नहीं है, और अगर पैसा है टाइम नहीं है, तो भी हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। इसे हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन कोरोना में अच्छे तरह से अनुभव करा जब बहुत सारा टाइम था लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा था, आगे जाके क्या होगा, जॉब पर या बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो हमें दोनों, अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो ही आप एक्चुअल में वेल्दी हैं, तभी आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। जो अभी मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ वो रिच डैड पुअर डैड बुक से लिया गया है, बहुत फेमस बुक बाय रॉबर्ट टी कियोस्की। और उसमें बताया गया पूरी दुनिया को 4 भागों में बांटा गया, लेफ्ट हैंड साइड पे इम्प्लॉय और सेल्फ इम्प्लॉय, राइट हैंड साइड पे बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। इम्प्लॉय और सेल्फ इम्प्लॉय हम सब जानते हैं जो जॉब करते हैं, जैसे मंजू ने, मैंने भी जॉब करी 20 ईयर्स तक मैंने जॉब करी। सेल्फ इम्प्लॉय जो अपना कुछ छोटा मोटा कुछ शॉप बिजनेस करते हैं, या फिर डॉक्टर सीए, ये सारे सेल्फ इम्प्लॉय में आते हैं। बिजनेस ओनर यानी कि जिनके पास बहुत सारे लोग जिनके यहाँ काम करते हैं, लाइक टाटा बिरला रिलायंस,
आई फॉर इन्वेस्टर, अगर हम बात करें कैश फ्लो क्वाड्रेंट की, लेफ्ट हैंड साइड पर 95% लोग हैं लेकिन सिर्फ 5% पैसा है। रीजन क्या है कि अगर कोई जॉब करता है तो वो अपना टाइम वहां स्पेंड करता है, उतने घंटे वहां पे जाता है तो सैलरी मिलती है। सेम वे से चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई सीए है, दे आर आल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर हम बात करें, अगर शॉप ओपन करेंगे तो पैसा आएगा, अगर जॉब पर जाएंगे तो पैसा आएगा, और अगर बिजनेस ओनर की बात करें, वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं कि अगर किसी रीजन से वो उस जगह पर नहीं भी है तो भी उनके पास पैसा आता रहे। एग्जाम्पल लेते हैं टाटा, रिलायंस, इनकी बहुत सारी कंपनीज है बट फिजिकली वो एक ही जगह प्रेजेंस होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रखा है जिसकी वजह से उनके साथ काम होता है और उनके पास पैसा आता रहता है। आई फॉर इन्वेस्टर यानी कि आपके लिए पैसा काम करे। इन्वेस्टर कैसे क्या कर सकते हैं, आप रेंटल इनकम से पैसा अर्न कर सकते हैं, आपके पास अगर करोड़ों रुपए हैं तो आप रेंटल इनकम से आप इंजॉय कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट से कर सकते हैं, सो दैट आपके लिए आपका पैसा काम कर रहा है। जैसे मैंने अभी बताया लेफ्ट हैंड साइड पे 5% वेल्थ है लेकिन 95% पोल्यूशन है, और राइट हैंड साइड की बात करें 95% वेल्थ है लेकिन सिर्फ 5% दुनिया। अब हम जानते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करते हैं और राइट हैंड साइड पे क्या करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम बात करें, इंडिविजुअल एफर्ट्स करते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट्स मतलब अकेले काम करते हैं। जब हम अकेले काम करेंगे तो जब तक हम काम पे जाएंगे तो ही पैसा आएगा, और हम सबके पास 24 घंटे हैं, हम 8 से 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो हम चाह के भी टाइम को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो लिमिटेड इनकम आएगी और एक्टिव इनकम आएगी। एक्टिव इनकम का मतलब है कि हम काम पे जाएंगे तो पैसा आएगा, काम पे नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। राइट हैंड साइड की बात करें, दे वर्क विद द टीम, उनके ना बहुत, अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में अगर 1000 लोग भी काम करते हैं और दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो उनके घंटे अगर बात करें 1000 × 8 8000 घंटे काम होता है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में पॉसिबल नहीं है। और जब इतने घंटे काम होगा तो इनकम भी बड़ी होगी, अनलिमिटेड इनकम अर्न कर सकते हैं, और पैसिव इनकम जैसे मैंने बोला कि वो कुछ टाइम के लिए नहीं भी जाएं तो भी उनके पास पैसा आता रहेगा। अब बात करते हैं कौन कौन है लेफ्ट से राइट में जाना पड़ता है चाहता है। हम सब लेफ्ट से राइट में जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं दोनों को शिफ्ट करने के लिए क्या, अगर लेफ्ट से राइट में तो हम सब जाना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकें, या कोई इतना पैसा हो करोड़ों रुपए हो कि हम बिजनेस कर सकें, लेकिन क्या हम कर पाते हैं? बट नहीं, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे पहले बात करें क्या हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, क्या हम रिस्क ले सकते हैं? जो हम काम कर, अगर हम बिजनेस करें उसके लिए हमें स्किल भी सीखने होंगे, क्या हमारे पास स्किल्स हैं, और उसके लिए हमारे पास ऑफिस स्पेस कुछ ना कुछ चाहिए होगा, उसका हमें रेंट देना होगा। और बिजनेस का दूसरा नाम है रिस्क, चले या ना चले इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम सब ने ये भी देख लिया कोरोना से पहले, बहुत सारे बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी, स्कूल्स, कॉलेज, ट्यूशंस, ऐसे बिजनेस ऐसे थे कि जिसपे कोई कह नहीं सकता था कि इसमें रिसेशन भी आ सकता है, इसमें भी कोई रिस्क हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ दोस्तों। और अगर हम ऑफिस खोलेंगे तो हमें स्टाफ भी चाहिए और हमें उनको सैलरी भी देनी होगी। हमारे पास पैसे आए या नहीं आए, क्योंकि पहले जैसे ही आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन से पैसे नहीं आते, आपको 3 से 5 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन हमें सैलरी पहले दिन से देनी होगी, रेंट पहले दिन से देना होगा। अब बात करते हैं जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऐसा तरीका है। अगर आपके पास वो दोनों, जैसे मैंने बताया था इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर, सेम वे से आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी लेफ्ट से राइट में जा सकते हैं। अब हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं, जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। हम सब जानते हैं आज की डेट में 8 से 9 घंटे की नहीं 12 से 13 घंटे की जॉब है, क्योंकि 2 से 3 घंटे में आने जाने भी लगते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसे हम सब जानते हैं कि अगर आपके घर में बिजनेस है तो आपकी कोई छुट्टी तक नहीं होती है, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप तब ले इंजॉय कर सकते हैं जब आपने 3 से 5 साल ऐसे बिजनेस की तरह दिए। बिजनेस की तरह मतलब आपने 8 से 10 घंटे काम करा तो आप टाइम फ्रीडम को भी इंजॉय कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, जॉब में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। ट्रेडिशनल बिजनेस में हम सब जानते हैं पहले लाखों रुपए चाहिए हमें स्टार्ट करने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कुछ
हजारों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नॉलेज, जब हम कोई भी जॉब पर जाते हैं तो सबसे पहला पूछा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उसी हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, अगर आपके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो कुछ टाइम में वो बिजनेस बंद हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपका ड्रीम चाहिए, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई नहीं सिखाता। रिस्क, जैसे मैंने बताया कि हमने सोचा था कभी कोई रिस्क हो ही नहीं सकता कुछ जॉब्स में, बिजनेस में वो भी हुआ, क्योंकि आपने कुछ लगाया नहीं तो आपका रिस्क नहीं है। परमिसिस चाहिए, जॉब में कोई परमिसिस नहीं चाहिए, ऑफिस स्पेस नहीं चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको वो भी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कंपनी जो आपको परमिसिस प्रोवाइड करवाती है, उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो में आप सेविंग हम सब जानते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप सेविंग कर सकते हैं, वो भी आप तब कर सकते हैं अगर आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत टाइम से चलता आ रहा है। नेक्स्ट, अगर बात करें ड्रीम कार, आप रोड पे कभी भी देखना, आप चैट में भी लिख सकते हैं कि अगर कोई भी लग्जरी कार होगी ना, 99% चांसेस है वो ट्रेडिशनल बिजनेस में वो पर्सन होगा, जो में बहुत रेयर चांस है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम सब जानते हैं, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से गाड़ी ले चुके हैं, फॉरेन टूर। हम सबका एक सपना होता है फॉरेन ट्रिप पे घूमने जाना, जो में हम सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर हम सोचेंगे तो जो हमारी सेविंग है वो सारी खर्च हो जाएगी। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप अचीव कर सकते हैं। ड्रीम हाउस भी आप देखना, कभी भी लग्जरी हाउस भी आप देखोगे तो वो भी आप ट्रेडिशनल बिजनेस से ही आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करें फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कि अगर हम बात करें कि आपके पास इतना पैसा हो कि जब आप कहीं पे जाएं, शॉपिंग में जाएं, मॉल में जाएं, तो आपको राइट हैंड साइड पे ना देखना पड़े। चॉइस ऑफ वर्किंग आवर्स, अगर किसी की नाइट शिफ्ट है तो उसे नाइट में ही काम करना पड़ेगा, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी कस्टमर के हिसाब से काम होता है, और एक जो हम सबकी नीड होती है वो है मान सम्मान, रिकॉग्निशन। जब हम जॉब पे जाते हैं वो नहीं मिलता ट्रेडिशनल बिजनेस में। हम बहुत सारे लोग हैं जिनको बचपन में मान सम्मान मिला था, या स्कूल में या कॉलेज में, उसके बाद हम भूल ही जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप रिकॉग्निशन को भी ले सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इज ए प्रूवन, टाइम टेस्टेड, डूएबल एंड वन ऑफ द इजीएस्ट वे। इजीएस्ट वे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई सिखाने वाला है। क्योंकि अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, हमें बहुत सारे काम आप ही करने होते हैं। हमें पहले स्टॉक भी हमें ही करना है, मैन्युफैक्चरिंग भी हमें ही करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें ही करना है, तो ये सारे काम कंपनी करती है। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, वो है मार्केटिंग करना है, और जो काम हम बचपन से करते भी आ रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग की रिपोर्ट की अगर बात करें, फिक्की और केपीएमजी, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से 64,500 करोड़ के लिए इंडस्ट्री हो जाएगी 2025 के अंदर। और जबकि ये रिपोर्ट 2016 में आई थी, उस टाइम पे कोरोना नहीं आया था, किसी को नहीं पता था, तो ये 2025 से पहले भी ये पॉसिबल है। फिक्की की रिपोर्ट हम सब जानते हैं, ड्रग सेलिंग कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, उसकी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेटवर्क मार्केटिंग उसमें हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ले आप सब जानते हैं, इसमें भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अभी हमने बात करी वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे वाई मोदी केयर और नेटवर्क मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट है। अभी हमने जो बात करी जॉब बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि हमें क्या क्या बेनिफिट होगा। क्योंकि आप सब, मैं, आप सब इसलिए इस ट्रेनिंग का हिस्सा है क्योंकि हम सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं जो हम पूरे करना चाहते हैं। और सबसे पहला हमारा एक ही मोटिव होता है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है। जैसे मैंने बताया, कोई यहाँ पे फॉरन ट्रिप के लिए आता है, कोई गाड़ी के लिए आता है, कोई मान सम्मान के लिए आता है, कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आता है। तो आपको आज आने का अपना रीजन देखना है कि आपका रीजन क्या है। जब आपका वो रीजन वाई क्लियर होगा तो बाकी हाउ और व्हाट आप अपने आप भी ढूंढ लेंगे। क्योंकि जब हमारा वाई क्लियर होता है कि ये काम हमें क्यों करना है, तो हम उसके रास्ते अपने आप भी निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। वाई डायरेक्ट सेलिंग,
सबसे पहला रीजन हम सब एक चीज चाहते हैं कि हमें पूरी लाइफ टाइम काम ना करना पड़े, और किसी रीजन से अगर हम काम नहीं भी कर पाए तो जो हमने अब तक काम करा है उसका हमें रिजल्ट मिलता रहे। जैसे कि अब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आम का पेड़, आम का पेड़ लगने में कई साल लगते हैं और जब वो लग रहा होता है तो कुछ भी फल नहीं देता, लेकिन एक बार वो जब बड़ा हो जाता है तो वो लाइफ टाइम वो आपको फ्रूट्स देता रहेगा। और अगर धान की खेती की बात करें, हर 6 महीने में हो जाती है, यहाँ जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी आपको फ्रूट भी मिल जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग लाइक आप मैंगो की खेती कर रही हो। नेक्स्ट अगर बात करें बिल्ड ए रिस्क फ्री बिजनेस, जैसे अभी हमने बात करी, कोई भी बिजनेस है उसका दूसरा मतलब है रिस्क। क्यों? क्योंकि हम जब उसमें अपना पैसा लगाएंगे, और गारंटी किसी चीज की नहीं है, ले आप सब, मैं आप सब जानते हैं टेक्नोलॉजी किस स्पीड पर चेंज हो रही है। आज जो है वो 6 महीने बाद नई टेक्नोलॉजी, क्या कुछ दिनों में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो आपने जो भी सोचा आज उसमें बिजनेस में लाखों रुपए लगाए, लेकिन रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे जब आपने लगाया नहीं, आपने सिर्फ, मैंने क्या बोला, आपको इन्वेस्टमेंट ऑफिस स्टाफ नहीं रखना, आपको ऑफिस स्पेस नहीं चाहिए, स्टाफ नहीं चाहिए, स्टॉक नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी है। जब आपने लगाया नहीं तो आपका रिस्क भी नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें, यू कैन स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम कोई बिजनेस करने का सोचते भी हैं तो हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, उसके लिए बहुत सारी हमें फॉर्मेलिटीज चाहिए, अप्रूवल चाहिए, ऑफिस स्पेस चाहिए, उसके बाद उसमें 3 से 6 महीने बाद फिर हम उसका मुहूर्त करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस आज अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिन्होंने भी आप इनको इन्वाइट किया, आप उनसे डिटेल में जान सकते हैं और आज ही स्टार्ट कर सकते हैं। पार्ट टाइम बिजनेस, जब हमें कोई भी बिजनेस के बारे में बताया जाता है तो हमारे मन में एक चीज सबसे पहले आती है कि जो भी आप काम कर रहा हो उसको इम्पैक्ट तो नहीं करेगा, क्या मैं उसमें काम के साथ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों ले आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं या फुल टाइम में कर सकते हैं, तो जो भी आप काम करते हैं तो आप उसके साथ साथ करते हैं, कर सकते हैं। जो आप उसमें 2 से 3 घंटे जो आप निकालेंगे इवनिंग में, ये आपके ऊपर है। आप सैटरडे संडे काम करना चाहते हैं, डेली के 2 घंटे करना चाहते हैं, 3 घंटे करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ड्रीम्स कितने बड़े हैं, आप कितनी जल्दी अचीव करना चाहते हैं। या तो आप पार्ट टाइम से आगे बढ़ सकते हैं या फुल टाइम से, बट सम टाइम से ना हम आगे नहीं बढ़ सकते। सम टाइम्स की अगर हम बात करें, आज हमने किया फिर 15 दिन हमने नहीं करा, महीना करा, तो आप किसी भी बिजनेस में, नॉट इन नेटवर्क मार्केटिंग, किसी भी बिजनेस में आप सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। एग्जांपल लेके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पड़ोस में एक शॉप खुली, वो कभी खुलती है कभी बंद रहती है। आप एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 3री बार उस शॉप पे जाना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या लगेगा, वो शॉप तो खुलती ही नहीं है। तो सेम वे से जब आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर कोई बिजनेस करता है तो शुरू में क्या करता है, चाहे कोई कस्टमर आए या नहीं आए, चाहे बारिश आए चाहे तूफान आए, शॉप जरूर ओपन होती है, राइट? तो ऑटोमेटिकली तभी वो बिजनेस बिल्ड होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट बात करें, नो प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। जैसे मैंने बात करी, आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले आपको स्किल्स चाहिए, जो भी आप काम करने जा रहे हैं, जहां पे आपको कंपनी, जो भी आपको इन्वाइट करता है, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, वो आपको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। यू कैन हेल्प पीपल अर्न। एक हम सबकी एक बहुत बड़ी चाहत होती है कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हम दूसरों की भी हेल्प कर पाए। चैट में लिख सकते हैं किस किस को, असली हम सबकी बेसिक नीड के साथ ये नीड भी होती है। हम सबके मन में एक चीज ये जरूर होती है कि हमारे पहले, बट ये करने के लिए हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक मौका देता है कि आप एक जरिया बनते हैं दूसरों की हेल्प करने में, दूसरों के घर में इनकम लाने में, उनकी हेल्थ को अच्छा करने में। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तभी आप बड़ा कर सकते हैं, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, जब आप ज्यादा लोगों की हेल्प करेंगे। और जितने ज्यादा लोगों की हेल्प करेंगे, इतने ज्यादा लोगों के ड्रीम्स पर काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके ड्रीम्स भी पूरे तभी हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें,
रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, ये एक ऐसी चीज है जिसकी हम सबको जरूरत होती है, चाहे कोई कितना ही अमीर हो कितना ही गरीब हो, हर किसी को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। और ये ऐसी नीड है जितनी मर्जी मिल जाए उतनी कम रहती है। कौन कौन इस बात को एग्री करता है तो चैट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पर्सनल ग्रोथ, हम सब कुछ ना कुछ स्टडी करते हैं और उसके बाद हम अपने काम में कहीं भी बिजी हो जाते हैं और पर्सनल ग्रोथ नहीं कर पाते। ये आपको एक मौका देता है, जो भी आप काम करते हैं उसके साथ साथ आपको पर्सनल ग्रोथ करने का, आपको स्टेज फियर आपका यहाँ से कम होता है। जब आपका स्टेज फियर कम होगा तो ऑटोमेटिकली आप में कॉन्फिडेंस आएगा, जब आप में कॉन्फिडेंस आएगा तो आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में और आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, जैसे अभी हमने बात करी कि हम चाहते हैं कि हमारे पास दूसरों की हेल्प करें और हम ऐसी लाइफ जी के जाएं सो दैट कि आज हम रहे कुछ रहे नहीं रहे तो आने वाली हमारी जनरेशन को भी हेल्प होती रहे। तो हम ऐसे एक सिस्टम बना के जाएं, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एक ड्यूरिंग कोरोना वीरू टेलर करके थे जिन्होंने 5 से 7 साल मोदी घर में काम करा और उसके बाद कोरोना में उनकी डेथ हो गई, बट जो उनकी डेथ हुई वो भरवाई तो उनके फैमिली में कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनकी आज भी 5 से 6 लाख उनके घर में पैसा जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट करा। और सिस्टम क्रिएट करने के बाद हम सब ऐसे क्या है कि हम सब समान यूज करना नहीं छोड़ेंगे, जब हम समान यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली बिजनेस होगा होगा। और ड्यूरिंग इवन कोरोना हम सब ने अपना सामान यूज करना नहीं छोड़ा, जिस दिन से हम पैदा होते हैं उस दिन से कंज्यूमर रहते हैं और जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे तब तक कंज्यूमर रहेंगे। जी वे लेगेसी फॉर जनरेशन, जैसे मैंने बता दिया कि नेक्स्ट 7 जनरेशन तक आपका बिजनेस ट्रांसफर होता है। जॉब में हमारे पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है कि हम नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर सके, चाहे कोई कंपनी का सीईओ भी क्यों नहीं है, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब में है चाहे कोई प्राइवेट जॉब में है, अगर उनको बच्चों को स्टार्ट करना है तो उनको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी हमने बात करी वाई नेटवर्क मार्केटिंग, अब हम बात करते हैं वाई मोदी केयर। मोदी केयर इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो मार्च 1996 में स्टार्ट हुई और 2023 में 27 ईयर्स पूरे हो जाएंगे। तो ऑलरेडी 8 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई और 750+ प्रोडक्ट है। और बात करें मोदी केयर किसका हिस्सा है, क्योंकि अगर हम किसी कंपनी में कोई टाइम दे रहे हैं तो हमें उसकी प्रोफाइल उसका बैकग्राउंड पता होना जरूरी है। मोदी केयर हिस्सा है मोदी एंटरप्राइजेज का, जिनकी कंपनी है इंडोफिल, के मोदी ग्रुप, कलर बार, 24/7, मोदी केयर फाउंडेशन, मोदी केयर, जो 400 रुपए से स्टार्ट हुआ आज 63,000 करोड़ का ग्रुप है और जहाँ पे 30,000 एम्प्लॉय काम करते हैं और एक्सपोर्ट होता है 90 कंट्रीज के अंदर। तो कहने का मतलब कि हम इतनी बड़ी कंपनी का हिस्सा हैं। नेक्स्ट जो है समीर मोदी ग्लोबल प्लान, ये एक ऐसा प्लान है जिसपे जो कंपनी के ओनर है मिस्टर समीर मोदी, उन्होंने अपना नाम दिया। जब किसी ने नाम दिया तो उसमें कि उनको वो प्रूव भी करना है कि उनका एक ही ड्रीम है कि टू गिव टाइम एंड मनी फ्रीडम टू ऑल इंडियंस, टू लोगों को आजादी देना। वो कहते हैं मेरा एक ही प्रोडक्ट है टू गिव आजादी टू ऑल इंडियंस। अब बात करें 12 वेरियस ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम, यहाँ पे जब हम जॉब करते हैं तो हमें एक तरह की इनकम आती है, यहाँ पे आप 12 तरह की इनकम को आप अर्न कर सकते हैं। इसको आने वाले टाइम में आई थिंक कल ही हम इसको डिटेल में बात करेंगे, तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी हम ओवरऑल जान लेते हैं। सबसे पहले आपके पास रिटेल प्रॉफिट, समीर मोदी सुपर बोनस, फिर आप ट्रैवल फंड यूज कर सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल पे जा सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल पे जा सकते हैं। लास्ट ईयर हम इसी साल हम गोवा गए थे और हर साल मोदी केयर की तरफ से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रिप पर कंसल्टेंट जाते हैं। आप अपने सपनों का घर भी ले सकते हैं, गाड़ी भी ले सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में अभी 1-2 दिन की में ट्रेनिंग में हम डिटेल में जानेंगे इसको। अब बात करते हैं हमारे पास प्रोडक्ट कौन से हैं, क्योंकि मोदी केयर के अंदर जो प्रोडक्ट रेंज है वो सुबह से लेकर शाम तक जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं वो सब प्रोडक्ट है। सबसे पहले अगर बात करें न्यूट्रिशन वेलनेस हेल्थ सप्लीमेंट की, ये आज की डेट में हर किसी की नीड है। लेकिन क्या करते हैं, जो हमारे खाने पीने की जो कमी है उसको पूरा कर देते हैं।
अगर जब खाने पीने की कमी पूरी हो जाएगी तो हम बीमार कम पड़ेंगे। और सप्लीमेंट को बोला जाता है इम्यूनिटी बूस्टर। हम सब ने अच्छे से जाना कि हमें किसी भी वायरस से, कोरोना या किसी भी वायरस से हमें लड़ना है तो हमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। उसके बाद कलर कॉस्मेटिक है, स्किन केयर है, फूड एंड बेवरेजेस है, ऑटो केयर है, पर्सनल केयर है, लॉन्ड्री केयर है, होम केयर है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी हैं, एयर प्योरीफायर भी है, डिवाइन और समीर मोदी वाचिस और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट आप बास्केट में ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, हम सब एक ही चीज चाहते हैं कि जो हम पैसे दें उसकी हमें वैल्यू मिले। तो जितने हम पैसे दे रहे हैं उसकी बदले में जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के हैं। मार्केट में हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, अगर हमें सूट नहीं करा, लिया खोल लिया और हमें अगर सूट नहीं करा तो नेक्स्ट डे अगर जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, आप कस्टमर केयर पर बात कर लीजिए। यहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर रिटर्न में 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलेगी बाय मिस्टर समीर मोदी। और उसमें क्लियर लिखा है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विद इन 30 डेज, आपने यूज भी कर लिया 25% तक, तो भी आप कंपनी के ऑफिस में जाके आप उसको चेंज करा सकते हैं या पैसे पूरे ले सकते हैं। तो इतनी बड़ी गारंटी दोस्तों तभी कोई दे सकता है जब अपने प्रोडक्ट पर इतना विश्वास हो, उसमें इतनी R&D की गई हो। अभी हमने 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी को डिटेल में जान लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिछले 4 साल में, ये 2018 से 2022 का ग्राफ है, 97 करोड़ से 1800 करोड़ हुआ और 1000 करोड़ से 1800 करोड़ तब हुआ 2021 में, 2020 और 21 में, जब हम सब जानते हैं कि बहुत सारे बिजनेस को इंपैक्ट था तब 80% की ग्रोथ हुई। अदरवाइज किसी भी कंपनी में 10-15% की ग्रोथ बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। तो ऑलरेडी मोदी केयर इतनी स्पीड पे चल रहा है, अब आपको देखना है, अभी हमने फिक्की KPMG की रिपोर्ट की भी बात करी थी, अब आपको देखना है उस बड़े केक का आप कितना हिस्सा लेना चाहते हैं, आपके कितने ड्रीम्स हैं, आप कितनी जल्दी एक्शन करते हैं। तो जैसे कि आप ग्राफ पे ऑलमोस्ट 10 times इन लास्ट 5 years मोदी केयर जो है फाउंडिंग मेंबर है IDSA का, एक्टिव मेंबर है फिक्की का। IDSA क्या है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जैसे कि हम सब जानते हैं इंश्योरेंस के ऊपर होता है, सेम वे से बैंक्स के ऊपर अथॉरिटी होती है, सेम वे से IDSA डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कंट्रोल करता है। और मोदी केयर जो है फाइंडिंग मेंबर है IDSA का जब इंडिया में स्टार्ट हुआ। SPBM जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, दैट इज सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, ऑफलाइन ऑफिस में ट्रेनिंग होती है, रजौरी ऑफिस में, पूरे इंडिया में ऑफिस हैं जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन होती है जो अभी हम कर रहे हैं ऑनलाइन, और फोन पे भी आप ऐप के थ्रू ले सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी, मिस्टर समीर मोदी का एक ही चीज कहना है, जो भी मुझे मिला वो इंडियंस को मिले। अवर प्रोडक्ट इज आजादी, वी आर ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी दैट इज आजादी, सो दैट हम सब आजादी को इंजॉय कर सके। आई होप आज आपको क्लियर हो गया होगा कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग और वाई मोदी की है। और अगर आपके ड्रीम्स हैं, आप फुलफिल करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, तो एक्शन आपको करना होगा, घर से बाहर आपको निकलना होगा, क्योंकि जित आप घर से बाहर निकलेंगे अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है तो आप सपने भी अचीव कर पाएंगे। अगर हम घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, अपने आप कुछ भी नहीं होगा। अपने आप तो दोस्तों चिड़िया को भी घोंसले में खाना नहीं मिलता, उसे भी अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है, उसे भी हाथ पैर मारने होते हैं। यहाँ पे आपको सारा सिस्टम तैयार है सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। एक कदम आपको बढ़ाना है, दूसरा कदम जैसे मिस्टर समीर मोदी का कहना है कि आप एक कदम रखिए, 2 कदम मैं रखूंगा। आई होप आपको ले क्लियर हो गया होगा वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई मोदी केयर और हमें क्यों करना है।